प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 6, 7 और 8 विषय गणित में हम पढ़ेंगे भिन्न के जोड़ और घटाव, गुणा और भाग। देखें भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा व भाग। तो प्रश्न पहला देखें, 1 से 1/2 गुणा 1 से 1/3 प्लस 1 से 1/4 गुणा 1 से 1/3 माइनस 1 से 1/4। तो देखें सवाल में मैंने मिक्स कर दिए हैं, दो सवाल गुणा के हैं। सबसे पहले बोडमैस नियम के अनुसार अगर कोष्टक लगा हुआ हो सवाल में तो कोष्टक के अंदर का क्वेश्चन हल किया जाता है। ये ओ शब्द को जोड़ने के लिए बनाया गया है, ओ से ऑफ, फिर डी से डिवाइड बनता है मतलब भाग, तो हम भाग हल करेंगे। और भाग भी नहीं है तो मल्टीप्लाई गुणा हल किया जाएगा और फिर एडिशन जोड़ और फिर सब्ट्रैक्शन घटाव। तो इस प्रश्न में मैंने गुणा जोड़ और घटाव डाले हैं, तो मतलब पहले गुणा हल होंगे। एक प्रश्न तो ये हल किया जाएगा और एक प्रश्न ये हल किया जाएगा। सबसे पहले इनके उत्तर निकाले जाएंगे, उसके बाद जोड़ और फिर घटाव। जोड़ घटाव को तो हम एक साथ भी हल कर सकते हैं, लेकिन गुणा और भाग हैं उनको पहले हल करने पड़ते हैं। तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलें तो 2 × 2 और 1 3/2 प्लस 3 × 3 और 1 4/3 प्लस 4 × 4 और 1, यह गुणा है, 4 × 4 और 1 5/4 फिर गुणा 3 × 3 और 1 ऊपर वाला जोड़ दें 4/3। यानी कि हमने मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल दिया है, माइनस 4 × 4 और 1 5/4। अब इसको हल करें तो पहले ये गुणा हल करें। एक तरीका तो ये है कि सीधा 4 × 3 = 12 ऊपर वाले को गुणा कर दें, नीचे 2 × 3 = 6 ऐसे गुणा कर दें, ऐसे गुणा कर सकते हैं, लेकिन इसमें संख्याएं थोड़ी बड़ी होती हैं। यदि संख्याओं में ऊपर नीचे भाग जा रहा हो तो हम भाग दे करके संख्याओं को छोटा कर लेते हैं। जैसे 3 से 3 कट जाएगा, 2 × 2 = 2 × 4 तो यहाँ पर आ गया 2/1, तो संख्या छोटी हो गई। अगर सीधा करते हम तो 4 × 3 = 12/6 आता है, तो संख्या बड़ी आती। तो ऊपर नीचे अगर एक ही संख्या का भाग जा रहा हो तो हम भाग दे सकते हैं। हाँ, गुणा जो है वो हमेशा ऊपर ऊपर की संख्या का होता है और नीचे नीचे की संख्या का होता है। नीचे की संख्या का ऊपर वाली से कभी गुणा नहीं होता और ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से कभी गुणा नहीं होता। आगे देखें प्लस, यहाँ देखिए 4 × 4 = 1 पे कट जाएगा, ये आ गया 5 × 5 और ये 3 × 3, यहाँ भी ऊपर नीचे की संख्याएं कट रही, लेकिन ये केवल गुणा में कटती हैं ऐसे। जोड़ और घटाव में ऊपर नीचे की संख्या ऐसे नहीं कटेंगी तिरछे, गुणा में सिर्फ संख्याएं कटती हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस संख्या को इसके साथ काट दें, बीच में जोड़ और घटाव का निशान आ जाए तो ऐसे नहीं कटती हैं, गुणा का निशान हो तो कट जाती हैं। माइनस 5/4,
अब हमारे पास बचे हैं एक जोड़ है और फिर इसको घटाना है। जोड़ घटाओ को एक साथ कर सकते हैं हम, क्योंकि दोनों में लघुत्तम लेना पड़ता है। यहाँ पर भी हम लघुत्तम ले लेंगे तीन का और चार का, तो तीन और चार का लघुत्तम देखिए, इसमें दो का भाग जा रहा है, ये तीन का तीन आ गया, दो दूनी चार आ गया, फिर दो का भाग जा रहा है, ये तीन आ गया, ये एक आ गया, और फिर तीन का जा रहा है एक और एक आ गया, तो तीन दूनी छः, छः दूनी बारह, लघुत्तम आ गया बारह। एक का भाग नीचे वाली संख्या का भाग देना होता है, एक का भाग बारह में दें तो बारह ही आएगा, बारह को ऊपर दो से गुणा करें तो चौबीस आ जाएगा, प्लस तीन का भाग बारह में दें तो चार आएगा, बारह में तीन का भाग भागफल चार आएगा, हर का भाग दें लघुत्तम में तो चार आया, इस चार को ऊपर पाँच से गुणा करें तो चार पंजे बीस आया, माइनस फिर नीचे चार है, चार का भाग फिर बारह में दें तो चार तीये बारह, जब चार का भाग बारह में देंगे तो तीन आएगा, इस तीन का ऊपर पाँच से गुणा करेंगे तो तीन गुणा पाँच, तीन पंजे पंद्रह। अब देखें ये दोनों संख्याएं तो हैं प्लस की, इनका तो जोड़ हो जाएगा, और ये संख्या है माइनस की, इसका हो जाएगा घटाओ, तो 20 और 24 ये आ गया 44, माइनस में आ गया 15 और बटे में आ गया 12, 44 में से 15 घटा दें, 14 में से 5 गए 9 और 3 में से 1 गया 2, बटे में आ गया 12। अब 12 का भाग 29 में हम दे सकते हैं, मिश्र बिन में उत्तर आ जाएगा, 12 दूनी 24, बच गए 5, ये 5 जो नीचे शेष बच गया ये ऊपर चला जाएगा, जिसका हम भाग दे रहे हैं वो 12 नीचे आ जाएगा, यानी उत्तर आ जाएगा 2 सही 5 बटे 12। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं हम। आगे देखें, थोड़ा और विस्तार करें क्वेश्चनों का, ब्रैकेट लगाएं इनके बीच में, जैसे कि आपको बताया कि जोड़ घटाओ गुणा और भाग में सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाओ होता है, लेकिन अगर ब्रैकेट लगा हुआ हो तो सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है। ब्रैकेट में भी तीन ब्रैकेट होते हैं, ये ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, इसके बाद आता है ये वाला, इसे बोलते हैं मंजिला, मंजिला मतलब बीच का, और ये कोष्टक बड़ा कोष्टक बोला जाता है इसको, बड़ा कोष्टक। ये कोष्टक हमें बहुत कम देखने को मिलता है, ज़्यादातर क्या है जब सवाल में एक ही कोष्टक हो तो छोटा ही लगाते हैं, जब दो कोष्टक हों तो ये छोटा और बड़ा लगाते हैं, ये बीच वाला नहीं लगाते। जब किसी क्वेश्चन को तीन जगह पर बांधना हो तो फिर तीनों कोष्टक लगाने पड़ते हैं। जैसे देखिए मैं इस कोष्टक के क्वेश्चनों को हल कर रहा हूँ, जैसे एक से एक बटे दो प्लस एक से एक बटे तीन माइनस एक से एक बटे तीन गुणा एक से एक बटे चार। अब यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि जोड़ पहले होगा या गुणा पहले होगा, यहाँ पर ये देखा जाएगा कि दो छोटे कोष्टक लगे हैं, तो सबसे पहला काम है कोष्टकों के अंदर के सवालों को हल करना, यानी कि इस सवाल का उत्तर निकाला जाएगा और इस सवाल का उत्तर निकाला जाएगा, भले ही इनमें जोड़ घटाव ही क्यों न हो। तो दो एकन दो और एक ऊपर वाला जोड़ दें तीन, बटे में दो प्लस तीन एकन तीन और एक ऊपर वाला जोड़ दें चार बटे तीन, माइनस तीन एकन तीन और एक चार बटे तीन गुणा चार एकन चार और एक पाँच बटे चार। अब गुणा को गुणा के तरीके से करेंगे, जोड़ को जोड़ के तरीके से करेंगे, तो जोड़ करें, इसका लघुत्तम लें,
तीन का और दो का लघुत्तम दोनों अभाज्य संख्या है तो गुणा हो जाएगा, दो तीन छः लघुत्तम आ जाएगा। लघुत्तम में नीचे वाली राशि का भाग देंगे, छः के अंदर दो का भाग, दो तीन छः, तीन आ गया। अब ये तीन जो भागफल आ गया इसका ऊपर तीन से गुणा, तीन तीन नौ, जोड़ तो जैसे पहले किए थे वही तरीका जोड़ को करने का, सिर्फ कोष्टकों का अंतर है। तीन का भाग छः में देंगे दो आएगा, तीन दूनी छः, दो भागफल है, इस दो को ऊपर चार से गुणा करेंगे, चार दूनी आठ, माइनस यहाँ पर देखिए गुणा है, गुणा में लघुत्तम लेना नहीं होता, ऊपर नीचे की संख्या में अगर भाग जा रहा हो तो काट देते हैं गुणा में, चार से चार कट। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे तीन से तीन नहीं काटा है क्योंकि यहाँ जोड़ है, जोड़ में ऊपर नीचे की संख्या नहीं कटती, यहाँ गुणा है इसलिए ऊपर नीचे की संख्या एक जैसी है, चार से चार कट, ये आ गया पाँच बटे तीन। अब आपने कोष्ठक के दोनों सवालों को हल कर दिया है, नौ आठ सत्रह बटे में छः माइनस पाँच बटे में तीन, अब हम कोष्ठक खोल सकते हैं क्योंकि हमने कोष्ठक के इस सवाल का उत्तर निकाल दिया, ये सत्रह बटे छः आ गया, इस सवाल का उत्तर निकाल दिया ये पाँच बटे तीन आ गया, अब हम इन कोष्ठकों को हटा सकते हैं। हम कोष्ठकों को ऐसे नहीं हटा सकते कि एक से एक बटे दो प्लस एक से एक बटे तीन माइनस एक से एक बटे तीन गुणा एक से एक बटे चार, ऐसे नहीं हटा सकते कोष्ठकों को। इसमें तो हटा सकते हैं, इसमें तो इसलिए हटा सकते हैं कि ये गुणा सबसे पहले होना है, ये सवाल पहले हो जाएगा फिर उसके बाद जोड़ और घटाव एक साथ हो ही सकते हैं, लेकिन यदि दोनों साइड गुणा हों तो इस प्रकार से हम कोष्ठक को, यहाँ पर भी कोई और निशान होता तो हम कोष्ठकों को एक साथ नहीं हटा सकते गुणा को छोड़कर। तो देखिए इसका अब लघुत्तम लेकर इसको हल कर सकते हैं, हम छः और तीन का लघुत्तम लें, तीन का भाग जा रहा है, तीन दूनी छः और तीन एक तीन, दो का जा रहा है एक और एक, और गुणा कर देंगे तीन दूनी छः लघुत्तम आ जाएगा क्योंकि छः में दोनों का भाग जा रहा है, तीन का भी जा रहा है और छः का भी जा रहा है, छः में छः का भाग देंगे एक आएगा, एक को सत्रह से गुणा करेंगे सत्रह आएगा, तीन में छः का भाग दें तो दो आएगा, दो को पाँच से गुणा करें दस आएगा, ये आ गया सात बटे छः। अब सात में छः का भाग दे दें, छः एकम छः, शेष पल बच गया एक, बचे हुए शेष पल को ऊपर और जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे, यानी ये आ जाएगा एक सही एक बटे छः। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसके बाद कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक से एक बटा दो फिर कोष्ठक लग जाएगा, तीन बटा दो दो बटे पाँच प्लस एक बटे तीन और फिर प्लस तीन बटे दो एक बटे दो प्लस एक बटे चार। यहाँ पर देखिए कोष्ठक के अंदर के सवाल को हल करना ही करना है, सबसे पहले कोष्ठक के अंदर का सवाल हल करेंगे, लेकिन यदि कोई मिश्र बिन है तो सबसे पहला काम है उसको सरल बिन में बदलें। जैसे ये मिश्र बिन है इसको सरल बिन में बदलें, दो एकन दो और एक ऊपर वाला जुड़ जाएगा तीन बटे दो, ये मिश्र बिन सरल बिन में बदल जाएगी। फिर इसको यदि हम हल करना है, कोष्ठक के अंदर का सवाल है इसको हल करना है, तो सबसे पहला काम है कि इसका लघुत्तम ले लिया जाएगा, तीन और पाँच का लघुत्तम, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं और जब अभाज्य संख्या होंगी तो उनका गुणा कर दिया जाएगा वही लघुत्तम कहलाएगा। तो गुणा कर देंगे दोनों का, तीन पाँच पंद्रह, पंद्रह में भाग देंगे पाँच का, पाँच तीन पंद्रह तीन आ गया, तीन को ऊपर दो से गुणा कर देंगे, तीन दुनी
छः, फिर इस तीन का भाग दे देंगे पंद्रह में, तीन पाँच पंद्रह, पाँच आ गया, इस पाँच का गुणा ऊपर एक से कर देंगे, पाँच एकन पाँच आ गया, फिर प्लस तीन बटे दो, इसका लघुत्तम लेंगे, दो का और चार का लघुत्तम आएगा छः, वो चार, क्योंकि चार में दोनों का भाग जा रहा है, दो का भाग चार में देंगे तो दो आएगा, दो को ऊपर एक से गुणा करेंगे तो दो आएगा, चार का भाग चार में देंगे तो एक आएगा, एक को ऊपर एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा। नीचे वाले का भाग देना है, जो भागफल आ रहा है उसको ऊपर वाले से गुणा करना है। दो का भाग चार में दिया, भागफल दो आ गया, दो को एक से गुणा कर दिया दो आ गया, प्लस नीचे चार है, चार का भाग चार में दिया एक आ गया, एक को ऊपर एक से गुणा किया एक आ गया। अब ये आ गया तीन बटे दो। अब कोष्ठक के अंदर ये आ गया ग्यारह बटे पंद्रह, प्लस ये आ गया तीन बटे दो, और ये आ गया तीन बटे चार। अब आपने कोष्ठक के अंदर जो सवाल थे आपके, उन दोनों सवालों को उत्तर निकाल दिए। इसका उत्तर तो आ गया है ग्यारह बटे पंद्रह, इसका उत्तर आ गया है तीन बटे दो। अब देखिए आपके सामने फिर से दो गुणा के सवाल आ गई। जब कोष्ठक के संख्या के बीच में किसी का निशान नहीं हो तो गुणा माना जाता है। कोष्ठक के और संख्या के बीच में जब किसी का निशान नहीं हो तो गुणा का निशान माना जाता है। तो तीन बटे दो गुणा में ग्यारह बटे पंद्रह, प्लस आगे फिर तीन बटे दो गुणा में तीन बटे चार। अब फिर आपके सामने दो गुणा के सवाल हैं और एक जोड़ है। तो पहले गुणा के सवाल होंगे फिर जोड़ होगा, यानी सबसे पहले आपने कोष्ठकों के सवाल हल कर दिए, कोष्ठकों के बाद भाग होता तो भाग हल होता, भाग नहीं है तो मल्टीप्लाई हल होगा यानी गुणा हल होगा। तो गुणा आपके सामने दो सवाल हैं, दोनों गुणा के सवाल हल होंगे। गुणा करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो तीन एकन तीन, तीन पंच पंद्रह, पाँच आ रहा है, तीन का भाग जा रहा है दोनों में। अब गुणा करें ग्यारह एकन ग्यारह और पाँच दूनी दस, ये आ गया इसका उत्तर। इस गुणा को हल करोगे तो तीन तीय नौ और ये आ गया चार दूनी आठ। अब दस का और आठ का लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेंगे दस आठ, भाग जा रहा है दो का, दो पाँच दस, दो चौके आठ, फिर जा रहा है दो का, पाँच में नहीं जाएगा, दो दूनी चार, फिर जा रहा है दो का, पाँच में नहीं जाएगा, इसमें एक, और फिर पाँच का एक और एक। अभाज्य संख्याओं के भाग देने होते हैं। सबसे छोटी संख्या अभाज्य दो है, दो का भाग जा रहा है आठ में और दस में, दो का भाग दस में दिया पाँच आया, आठ में दिया चार आया, फिर दो का भाग चार में जा रहा है, पाँच में नहीं जा रहा, पाँच आ गया, दो का भाग चार में दिया दो आ गया, फिर दो का भाग दो में दिया एक आ गया, पाँच में नहीं जा रहा पाँच आ गया, फिर पाँच का भाग जा रहा है इसमें पाँच में, पाँच का दिया एक आ गया और ये एक आ गया। दोनों संख्याओं के स्थान पर एक एक आ गए। अब इनका गुणा कर दें, लघुत्तम हो जाएगा पाँच दूनी दस, दस दूनी बीस, बीस दूनी चालीस, तो इसका लघुत्तम आ गया आपके सामने चालीस। अब चालीस में नीचे दस है तो दस का भाग लगाएंगे, दस चौके चालीस, चार आ गया, इस चार को ऊपर ग्यारह है इसके साथ गुणा हो जाएगा, ग्यारह चौके चौवालीस। अब फिर चालीस में भाग देंगे आठ का, आठ पंजे चालीस, और पाँच का ऊपर इस नौ से गुणा करेंगे, नौ पंजे पैंतालीस। अब देखिए तो पाँच और चार नौ, चार चार आठ, बटे में आ गया चालीस। अब अगर मिश्र बिन में उत्तर देना है तो नवासी के अंदर भाग दे दें चालीस का, तो चालीस दूनी अस्सी, बच गए नौ, जो शेष बच गया वो ऊपर चला जाएगा, जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे आ जाएगा, तो दो सही नौ बटे चालीस इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।